पिछले कुछ देर तो पंजाब विच लंपी स्किन नाम की बीमारी ने पैर पसारे हुए ने। इस बीमारी नूं लैके पंजाब भर विच हाहाकार दा माहौल है। पंजाब विच हजारां पशु इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके ने। यह बीमारी गुरु नगरी अमृतसर विच भी फैल चुकी है। इस बीमारी नाल वड्डी गिनती विच पशु मौत दे मुंह विच जा रहे ने। इन्हां पशुआं नूं ना चुके जाण कारण आम लोग परेशान नजर आ रहे ने। ताजा मामला अमृतसर दे हलका पूर्वी अधीन आउंदे इलाका मोकमपुरा दा है, जिथे आवारा पशुआं ते लंपी स्किन तों बीमारी दे पीड़ित गावां दे लोकां विच इस कदर दहशत दा माहौल है कि लोकां ने गलियां दे बाहर बैरीकेड लगा दित्ते ने। मामला है कि गाँव ने बहुत परेशान किया है, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। इतने साढ़े आंढ़ गुआंढ बहुत परेशानी सी, लंघन वाले भी जोड़े दिक्कत करते, तो इन्होंने जोड़े भी गावं आ इन्हों आप अपनी जगह पर रखा जाए। तो ये बारह तुरिया फिर कोई प्रधान नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई साढ़े वास्ते कोई नहीं, क्योंकि जब इन्होंने ध्यान नहीं रखना, गरीब बंद की सुनाई नहीं करनी। उस टाइम तो वोटा वाले कहें हाथ जोड़ दे तुम साढ़िया मावं साढ़िया भैन, तो जो अं जाने कोई अर्ज लैके तो उदो ये सुनाई नहीं करते, उदो साड़ी कोई सुनाई नहीं होंगी। इस टाइम तो चार दिन हो गए असी इन्नी मुश्किल छा, तो कदम कहने की गल नहीं, लोग दुनिया इन्नी नहीं मतलब मूँह बन के जा रही थी। इन्हों इन्ना नहीं पता लगता कि कोई हूँ इन्हों के प्रधानों के लागे कित कोई मरी होगा, कुत्ता मरिया हो सारे भसूड़ियाँ पै जा, गड्डिया कारा तुर पे साडे बारे गरीबा बंद इन्हों सुनाई नहीं करते। क्यों नहीं सुनाई करते, वजह की है? साडिया वोटा ना जितते हैं तो सानू ये दरकार दे, सानू पुछते नहीं है ये की मतलब होया? जिताने वाला कौन है? दुनिया। दुनिया की सुनाई नहीं करनी तो फिर ये करन दा कोई फायदा ही नहीं है। हम तो अही मानती दे नाल आ, बहुत ज़्यादा परेशानी जिन्हें आन के साडे सुनाई की गरीबा बंद आन के सहमति दे नाल बेचारे ने आन के क्रेन मंगाई, ट्राली मंगाई, तो वह बेचारे ने साडे जीना हराम होया सी, सानू नंगना उन्हूं कीड़े चल गए सी। एक गाई वारा तुरी फिरदी पई है तो उहदा भी पता नहीं है कित्थे उन्हें डैथ हो जानी है। इन्ने दुखी इन्ने परेशान कोई लंघन तो बहुत मुश्किल हुई सी इन्हां नूं। बीमारी नाल पीड़त सी? हाँ जी, बीमारी नाल घर घर दुनिया पई है, घर घर दुनिया पई है, घर घर बुखार चढ़े ने लोगों नूं, दवाई नाल फर्क नहीं पै रहा, गंदगी नाल होएगी तो दसो तुसीं किस तरह दुनिया जिएगी है। तो ये साड़ी सुनाई नहीं की, चार पाँच दिन हो गए हैं, फिर मानती को अर्ज लैके गए हैं, मानती आन के उन्होंने साडे मतलब साड़ी सुनाई की है, तो असी फिर प्रधानों नूं की करना? जो बच्चा साड़ी सुनाई कर रहा तो अं तो वो नाल मामला है। जे गली तो बेच गली गंदिया गंदिया गाइया फिर बच्चों परेशानी हुई, बच्चों घर घर बुखार चढ़े ने, इतने कोई सुनाई नहीं। जिदन का झाड़ू वाला आया बेचारे ने तो झाड़ू फिर चढ़िया, जे सीधी गल मैं तो सीधिया गल्ला करनी पंजाबी च, ना कोई सुनाई जे तो ना कोई कुछ, एक लगनी है तुम घट तो घट वेखो सही गंदगी आके, वो मैडम की तो अभी शक्ल ही नहीं वेखी बेचारी, कितने रेंदी तो कितने नहीं, कम से कम तू गलियां आओ। फिर जो वोटा आई सी ही झाड़ू वाली नवजोत कौर, असी यो बेनती करने भैया गंदिया गंदिया गाइया चकाओ तो बच्चों परेशानी टाओ। बहुत ज्यादा गलियां फिर जो खून वगदे ने बेचारिया, बोकर लैके वोटियां कभी किसी के बूहे अगे तुरे फिरते हैं, कभी कोई किसी के बूहे अगे तुरे फिर, बीमारी फैलन का डर है भाजी। बच्चों से जाएगी तो इन्फेक्शन आएगी बच्चों, बच्चे तो अगे बीमार है जो साढ़े घर दो बच्चे बीमार पे हुए जे। नहीं जी नहीं, हाले कोई नहीं आया इतने, न्यू राजेश नगर च कोई नहीं आई अज दिन तक। सारे ने गलियां बना लिया, साड़ी गली इतने बंदे डुबदे आ, बंदे डुबदे आ, हैं साड़ी गली दे विच की त्रास सी, हैं मेन गली नहीं बनाई, जिहड़े लोकी सड़कां दे उत्ते धक्के खा रहे आ इस टाइम दे उत्ते, उस टाइम ते वोटां लैणियां हुण, अड़ो तुसीं मां तुसीं भैण तुसीं साडी मम्मी, ते हुण तुहाडी मम्मी कित्थे गई जिहड़ी सड़क ते साडे ते इन्ना बुरा हाल होया पिआ, सानूं नंगना हराम होया, जिहड़ियां मेन मेन गलियां सी जड़े मतलब आपा च जान पछाण सी उन्हां दियां बनवा दित्तियां, जड़े गरीब बंदे आ इत्थे मेरे दरबार मेरे घर दे लागे कोई टूप नहीं हैगी, असी की करना? कोई टूप नहीं, कोई गली नहीं है, तो असी किधर जाइए दसो तुसीं? जदों बच्चे साढ़े तिलकदे आ स्कूलों तो आते आ कलपदे आ, इन्ने इन्ने गारे विच लिबड़दे आ असी, तो इन्हां नूं जिता के करना की है? जे साडा अपना अपना सोचना, कदी पापा कदी चाचा कदी मामा ते कदी ताया। परेशानी जी तुसीं वेख सकदे जो जी, सारा इलाका वासी वार्ड नंबर 22 दे इकट्ठे हो, तीन चार दिन तो मतलब कि काफ़ी परेशानी आ रही है ना। मैनू फोन आए मेरे दफ्तर आ के भी, मतलब कि इन्होंने बेनती की है ना कि वार्ड के जड़िया बीमारी ना पीड़ित जड़िया गावं है ना वो काफ़ी घूम रही, कई गावं मरिया भी हैं,
कि मौका भी तुहानू विखाया गया है। तुम वेख भी सकते हो कि गां मरी पई है ना, इन्नी ज़्यादा स्मैल बदबू आ रही है कि आले दुआले के जिन्हें भी घर है ना उन्होंने रोटी खानी मतलब कि हराम हुई पई है। ये परेशानी जी वैसे मतलब कि 6-7 दिन तो आ रही है ना, कोई गाय इधर चल जाती है, कोई गाय इधर तुम वेख्या ही होगा पहले राजेश नगर दो नंबर गली दे विच मतलब कि गाय उत्थे हले भी उत्थे मौजूद आ। तुहानू मौका भी विखाया गया है, हुण इत्थे अपना राजेश नगर प्रीत नगर के आए हैं, इत्थे दे इक गाय बेचारी मरी पई आ। वेखो बिल्कुल जी जिहड़ी एक बीमारी हुण तुसीं वेख सकदे हो, तुसीं आप उत्थे मौके दे मौजूद ही, सारा इलाका मौजूद ही कि एक इन्नी गंदी ज्यादा किलोमीटर तक मतलब कि यह स्मैल जा रही है। तो उन्हां बीमारी फैलन का भी डर ही आ, उन्हूं कुत्ते खा रहे गाय नूं, वह कुत्ते खा गए हुण वह की पता बीमारी वह कुत्तियां विच आनी आ, कुत्ते ने गां बच्चों नूं वड़ना, की पता गां बच्चों च बीमारी जा सक डर हैगा। ये वेखो जी इन्हों अपना 3-4 दिन बाद आए है ना, वैसे ये काम है ना साडे हल्के दी अपना MLA का बंदा ही है ना कि जो सानू आप करना पै रहा है।